गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो हमने रेस्ट और स्लीप स्टार्ट किया था उसका सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। मेनली हम इसमें स्लीप डिसऑर्डर्स देखेंगे और नर्सिंग केयर कैसे करनी है पेशेंट की वो देखेंगे। नाउ स्लीप डिसऑर्डर्स मेनली तीन कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट इज डाइसोमनियाज, देन पैरासोमनियाज, एंड देर आर डिसऑर्डर्स ड्यू टू अदर मेडिकल कंडीशंस। नाउ आप जस्ट समझ लीजिए, सोमनियाज मतलब स्लीप, तो उसके आगे डिस है, डाय है, पैरा है, उसका मीनिंग क्या है वो हम लोग देखेंगे। नाउ फर्स्ट इज डाइसोमनियाज। डाइसोमनियाज मतलब एक्चुअली स्लीप हमारी नॉर्मल है, बट उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी और टाइमिंग में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है, या तो बहुत ज़्यादा है, या तो बहुत कम है, या फिर टाइमिंग इनअप्रोप्रिएट है। नाउ डाइसोमनियाज के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं? फर्स्ट इज इंसोमनिया, देन हाइपरसोमनिया, देन नार्कोलेप्सी, देन स्लीप एपनिया, देन इनसफिशिएंट स्लीप और स्लीप डिप्राइवेशन। हम एक एक को देखेंगे क्या इंसोमनिया। इंसोमनिया में क्या होता है कि पेशेंट को नींद सोने में डिफ़िकल्टी होती है, उन्हें नींद जल्दी नहीं आती है। वो लोग सोने की कोशिश भी करेंगे तो भी उठ जाएंगे, क्योंकि उनको आराम नहीं मिलेगा, उनको बहुत डिस्टर्बेंस होता है जब वो लोग सोने की कोशिश करते हैं। नाउ इसमें दो टाइप्स हैं, फर्स्ट इज़ अक्यूट इंसोमनिया, अनदर इज़ क्रॉनिक इंसोमनिया। अक्यूट इंसोमनिया क्या है, जब वो वन से सेवरल नाइट तक होता है एंड इट इज़ कॉज्ड बाय पर्सनल स्ट्रेसर और वरी। ठीक है, अगर उसमें कुछ पर्सनल स्ट्रेसर या वरी है तो, एंड इफ इंसोमनिया पर्सिस्ट फॉर अ लॉन्गर देन अ मंथ तो उसको कंसिडर किया जाता है क्रॉनिक इंसोमनिया। इंसोमनिया एक्चुअली फिजिकल डिस्कम्फर्ट, मेंटल टेंशन, एंगजाइटी और ड्रग अब्यूज़ के वजह से भी देखा गया है कॉमनली। और ज़्यादातर अल्कोहल हमने बोला था कि वो क्वालिटी स्लीप नहीं देता है, एक स्टेज ऑफ स्लीप को हमारे हैम्पर करता है, तो उसकी वजह से भी इंसोमनिया हो सकता है पेशेंट में। इंसोमनिया के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? पहला तो उनको नींद नहीं आती है, बहुत मुश्किल सी नींद आती है, रात में सोते भी हैं तो बहुत बार उठते हैं, अगर उठे तो उन्हें वापस सोने में बहुत दिक्कत होती है, प्लस बहुत जल्दी उठ जाते हैं, उठने के बाद भी उन्हें फ्रेश नहीं लगता, प्लस उनको डे टाइम में लेज़ी फील होता है, उन्हें नींद जैसी आती है, प्लस वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, उनका बिहेवियर बहुत इरिटेबल होता है। सो दीज आर द कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अब इसको मैनेज कैसे किया जाता है? ज़्यादातर एक न्यू बिहेवियरल पैटर्न, जैसे हमारा जो सर्कैडियन रिदम था उसको रेगुलेट करने की कोशिश की जाती है कि एक पैटर्न सेट किया जाए इंडिविजुअल के लाइफ में, प्लस जो स्लीप इंड्यूस करने के लिए एनवायरनमेंट है या फिर फूड है उनको प्रमोट किया जाता है, प्लस जो अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है या फिर उसको कुछ पर्सनल वरीज हैं तो उसको काउंसलिंग के थ्रू हटाने की कोशिश की जाती है। ओके, हाइपरसोमनिया। हाइपरसोमनिया क्या है? इंसान रात को भी अच्छे से सोया है बट फिर भी उसको वो दिन में जाग नहीं पा रहा, उसे जागने मतलब जिन दिन में अवेक रहने में डिफ़िकल्टी हो रही है। ये ज़्यादातर एक्चुअली मेडिकल कंडीशंस की वजह से देखा गया है, लाइक अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डैमेज हो, किडनी लिवर फंक्शन में हो, मेटाबॉलिज्म में हो, या फिर डायबिटिक कुछ कंडीशन है, या फिर हमारे थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म है, ज़्यादातर इन सब कंडीशंस में हाइपरसोमनिया देखा गया है। नाउ इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? ज़्यादातर मैनेजमेंट जो है वो अंडरलाइन कॉज को ट्रीट किया है। सी इन स्लाइड्स में आई एम नॉट फोकसिंग ऑन मैनेजमेंट एग्जैक्टली, बस आप लोगों को समझना है कि वो कंडीशन क्या है, और एंड में हम लोग ऑल टुगेदर देखेंगे कि उसका नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। कंडीशन इज नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी में क्या है? इंसान जो है डे टाइमिंग में ज़्यादा सोता है, ये एक्चुअली एक केमिकल फैक्टर की वजह से है, दैट इज़ हाइपोकेरेटिन, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है जो स्लीप रेगुलेट करता है, वो कम होता है पेशेंट की बॉडी में, तो उसको दिन में भी नींद आती है। ज़्यादातर इन पेशेंट में क्या होता है ना, स्लीप अटैक्स आते हैं। स्लीप अटैक्स मतलब कि वो लोग एक दिन में भी एकदम से सो जाते हैं, प्लस उनका जो स्लीप साइकिल है, हमने जो स्लीप नॉर्मल स्लीप साइकिल देखा था कि स्टेज वन से शुरू होता है, फिर स्टेज टू, स्टेज थ्री, स्टेज फोर, और फिर साइकिल से वो स्टेज टू में कंटिन्यू होता रहता है, बट इनका जो स्लीप साइकिल है वो REM से शुरू होता है, तो इसके लिए उनका जो फैक्टर है या जो साइकिल है वो डिफरेंटली वर्क करता है। ये कंडीशन डेंजरस बन जाती है क्योंकि ये लोग, ये जो पेशेंट विद नार्कोलेप्सी है वो किसी से बात करते करते भी सो सकते हैं, या फिर अगर वो ड्राइविंग करते करते भी सो सकते हैं। सो यू अंडरस्टैंड हाउ डेंजरस इट कैन बी, अगर कोई गाड़ी चलाते चलाते सो जाएगा देन इट इज़ डेंजरस फॉर एवरीवन, जो बैठा है एंड फॉर द पर्सन ऑल्सो। प्लस जो CNS स्टिमुलेंट्स और जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं वो ज़्यादातर इनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं।
होती है स्लीप एपनिया। एपनिया हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सेसेशन ऑफ रेस्पिरेशन है ना, हमारे जो रेस्पिरेटरी ग्राफ है उसमें एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है ना। स्लीप एपनिया एपनिया मतलब कि सोते सोते इंसान का जो रेस्पिरेशन है वो उसमें स्ट्रेट लाइन आने लगती है ना। नॉर्मली भी इंसान को एपनिया होता है, स्लीप एपनिया होता है, इट इज़ नॉर्मल। बट अगर किसी इंसान को स्लीप एपनिया हो रहा है 10 सेकेंड या फिर उससे ज़्यादा सेकेंड का, प्लस वो एक एक दिन में पाँच, एक रात में या फिर एक स्लीप साइकिल में 5 से ज़्यादा बार हो रहा है, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज प्रॉब्लम और उसको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। स्लीप एपनिया एक्चुअली ज़्यादातर मेंस में देखा गया है, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन ज़्यादातर 45+ एज में, एंड बच्चों में भी देखा गया है ना। ये 3 टाइप के होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया, सेंट्रल एपनिया एंड मिक्सड एपनिया। हम लोग देखेंगे सब में क्या है। फर्स्ट इज ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया मतलब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ ब्लॉकेज है, लाइक फैरिंज या ओरल कैविटी में कुछ तो ब्लॉकेज है। वो ब्लॉकेज किस वजह से हो सकता है? टॉन्सिल्स हो सकते हैं, एडेनॉइड्स हो सकता है, हमें DNS हो सकता है, मतलब डेविएटेड नेजल सेप्टम या पॉलिप्स हैं, या फिर पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबीज है जिसकी वजह से उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो ब्लॉक हो रहा है। सो नाउ अगर ब्लॉकेज है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? हमें सर्जिकली जो भी स्ट्रक्चर ब्लॉक कर रहा है उसे निकालना पड़ेगा, लाइक टॉन्सिल रिमूव कर सकते हैं। अगर डेविएटेड नेजल सेप्टम है तो उसकी करेक्ट सर्जरी कर सकते हैं। अगर पेशेंट एक्सेसिवली ओबीज है तो उनको वेट लॉस के लिए गाइडेंस दे सकते हैं। सेंट्रल एपनिया, सेंट्रल एपनिया में क्या है? मेनली जो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर है वो ब्रेन में जो है वो शायद डैमेज हो गए हैं, माइट बी बिकॉज ऑफ सम इंजरी या फिर कुछ सर्जरी की वजह से वो डैमेज हो गए हैं, जिसकी वजह से जो स्टिमुलस आना चाहिए ब्रेन से वो ही नहीं आ पा रहा है। नेक्स्ट इज मिक्सड एपनिया। मिक्सड एपनिया इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब कि कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव कॉसेस भी हो सकते हैं प्लस कोई ब्रेन इंजरी या डिफेक्ट भी हो सकता है जिससे सिग्नल ही ब्रेन से नहीं आ रहा है फॉर द स्लीप प्रोसेस। इनसफिशिएंट स्लीप और स्लीप डिप्राइवेशन, ये एक्चुअली एक डिसऑर्डर नहीं होगा बट एक ये कंडीशन आ जाती है जिसमें स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसमें क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ स्लीप एडिक्वेट नहीं मिल पाती है। ज़्यादातर अगर हमारा सर्कैडियन रिदम प्रॉपर नहीं है या फिर हम लोग कंटिन्यूस नाइट शिफ्ट कर रहे हैं या फिर हमें कुछ इमोशनल स्ट्रेस है, इन सब पॉजिटिव फैक्टर्स की वजह से भी हमें स्लीप डिप्राइवेशन हो सकता है। सो इसको एक टिपिकल डिसऑर्डर नहीं बोला जाएगा, कभी कभी ये कुछ सिचुएशन की वजह से होता है बट कभी अपने आप ठीक भी हो जाता है। ये सफिशिएंट स्लीप और स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से क्या क्या हो सकता है? पहला, अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, हम लोग अलर्ट नहीं होंगे, हम लोग जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हमारा ध्यान कहीं और भटक जाएगा। देन हम लोग मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन हमने पहले देखा था कि हम लोग मोटिवेटेड रहते हैं अलर्ट रहने के लिए, है ना, ताकि हम मूवी देख रहे हैं, बट उनका वो मोटिवेशन फैक्टर बहुत कम हो जाता है, हमेशा इंडिविजुअल बहुत टायर्ड रहेगा। देयर इज डिप्लोपिया, डिप्लोपिया मतलब डबल विजन दिखेगा। आप लोग कभी कभी देखोगे आप लोग बहुत टायर्ड हो, आप आंखें थोड़ा लेजी फील कर रहे हो, देन यू विल हैव डबल विजन, हमें बराबर दिखाई नहीं देगा, प्लस माउथ विल बी एक्सेसिवली ड्राई। ये सब क्या 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 किसके सिम्टम्स हैं अगर हमारी नींद अच्छे से नहीं हुई है तो? नेक्स्ट वी विल सी इज पैरासोमनियास। नाउ पैरासोमनिया में क्या है? मेनली द क्वालिटी क्वांटिटी एंड टाइम ऑफ द स्लीप नॉर्मल होते हैं, बट स्लीप के दौरान ऐसा कुछ होता है, समथिंग एबनॉर्मल होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती है। हम लोग देखेंगे ना, इसमें एग्जाम्पल दिए हैं ब्यूरिज्म, एन्यूरिज्म, पीरियोडिक लिम मूवमेंट डिसऑर्डर, देन स्लीप टॉकिंग एंड स्लीप वॉकिंग। हम लोग वन बाय वन एवरी पॉइंट को देखेंगे। ब्यूरिज्म क्या है? ब्यूरिज्म ना आपने कभी कभी सुना होगा, मम्मी कहती है कि आप लोग ना रात को दांत घस रहे, यू वर ग्राइंडिंग योर टीथ, मतलब अपने दांतों को एक दूसरे से हम लोग ग्राइंड कर रहे थे। ये ज़्यादातर बच्चों में देखा गया है, या फिर ना बहुत ज़ोर से दांत दबा लेते हैं। ये इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है ना, हमारे जो दांत हैं वो वीक हो जाते हैं, उसका जो ऊपर का एनामल है वो निकल सकता है, प्लस जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है उसका डिसोरिएंटेशन भी हो सकता है, जिसकी वजह से देर इज समथिंग कॉल्ड अ मेडिकल कंडीशन कॉल्ड TMJ सिंड्रोम, तो वो भी क्रिएट हो सकता है। मतलब कोई कोई बच्चे इतने ज़ोर से अपने टीथ को ग्राइंड करते हैं कि जो जॉइंट है वो भी डिसलोकेट या फिर उसका डिसोरिएंटेशन हो जाता है। ओके, एन्यूरिसिस ये पीडियाट्रिक में बहुत कॉमन कंडीशन है, ज़्यादातर इसको बेड वेटिंग भी बोलते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर हम लोग कब कंसिडर करते हैं? जब बच्चा 3 साल से बड़ा हो गया, क्योंकि 3 साल तक बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दे दी जाती है। तो जब अगर 3 साल के बाद भी अगर बच्चा नींद में ही सुसु करते बेड पे, देन इट इज़ कॉल्ड बेड वेटिंग।
ये दोनों मेल्स और फीमेल्स में कॉमनली देखा गया है, और ज़्यादातर 1 से 2 घंटे सोने के बाद में ये कंडीशन देखी गई है। ठीक है, पीरियोडिक लिम्बिक मूवमेंट डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इंसान अपने लेग से एक जर्की मूवमेंट देता है जो भी 1 मिनट में 3 से 4 बार तक हो सकता है या फिर 2 से 3 बार तक हो सकता है, और ज़्यादातर अडल्ट्स में देखा गया है। नाउ इस कंडीशन के लिए एक देर आर वेरियस मेडिसिन अवेलेबल, एग्जाम्पल इज लेवोडोपाइन, गाबापेंटिन एंड मेनी मोर आर देयर। ये सब दे के ये नॉर्मल कंडीशन ट्रीट की जा सकती है। एज ऑफ नाउ आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि उसमें इंसान करता क्या है। स्लीप टॉकिंग, ये हमने नॉर्मली भी सुना, हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि यू वर टॉकिंग लास्ट नाइट, सो इट इज़ कंसिडर्ड एज नॉर्मल, समथिंग नॉर्मल। और ये ज़्यादातर कौन से पीरियड में होता है, द स्लीप टॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप अकर्स ड्यूरिंग NREM स्लीप बिफोर REM। ठीक है, REM स्लीप होने से पहले NREM की स्टेज में होता है, तब ज़्यादातर ये टॉकिंग देखी जाती है। इसको ज़्यादातर मैनेज ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता जब तक ये कुछ इंडिविजुअल के लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम न क्रिएट करे। अगर वो इंडिविजुअल के नॉर्मल लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो ही उसे मेडिकल अटेंशन दी जाती है, अदरवाइज इट इज़ टेकन एज नॉर्मल। ओके, स्लीप वॉकिंग, स्लीप वॉकिंग को अनदर नेम है सोमनाबुलिज्म। नाउ सोमनाबुलिज्म, नाउ दिस वर्ड कैन कम एज अ फिल इन द ब्लैंक्स मैच द फॉलोइंग, सो यू शुड रिमेंबर द अदर नेम फॉर स्लीप वॉकिंग इज सोमनाबुलिज्म। नाउ ये ज़्यादातर स्टेज 3 एंड स्टेज 4 में देखा गया है, प्लस ये सोने के 1 से 2 घंटे के बाद देखा गया है। नाउ व्हाई इट बिकम्स डेंजरस इज, जब इंसान नींद में चलता है तो वो डेंजर नहीं देख पाता, आगे कोई शार्प है या फिर वो गिर सकता है, सो इसमें ज़्यादा क्या चांसेस है कि इंसान को इंजरी हो सकती है, दैट्स वाई इसको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। दिस स्लाइड हम लोग देखेंगे डिसऑर्डर्स ड्यू टू अदर मेडिकल कंडीशंस जो हमारे स्लीप को में इंटरफेयर करते हैं। इट कैन बी मेडिकल और इट कैन बी साइकेट्रिक और इट कैन बी अदर इलनेसेस। उसके एग्जाम्पल हैं डिस्टर्बेंस, अल्कोहलिज्म, थायराइड डिसफंक्शन, पेप्टिक अल्सर, देन COPD। ये कुछ डिजीज कंडीशंस हैं जो डायरेक्टली हमारे स्लीप पैटर्न को इफेक्ट करते हैं। नाउ COPD में मेनली क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, पेट में जलन होने लगती है। थायराइड डिसफंक्शन में ऑलरेडी हाइपोथायराइडिज्म में क्या है, पेशेंट को नींद नहीं आती है। अल्कोहलिज्म अगेन नींद नहीं आती है। डिप्रेशन में क्या होगा, अगेन हमें नींद नहीं आएगी या फिर एक्सेसिवली स्लीप, उसमें दोनों चीज़ें देखी जा सकती हैं। सो दीज मेडिकल और साइकेट्रिक कंडीशन ऑल्सो डायरेक्टली अफेक्ट हमारा स्लीपिंग पैटर्न। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या किए जा सकते हैं स्लीप वेक पैटर्न रेगुलेट करने के लिए। सबसे पहले क्या है कि हम लोग ज़्यादातर अवॉइड करते हैं कि इंसान दोपहर में न सो, क्योंकि अगर उसे रात में नींद नहीं आ रही है तो हमें वी विल नॉट अलाउ द इंडिविजुअल टू टेक आफ्टरनून नैप्स। नैप्स मतलब कि जो हम लोग आफ्टरनून में सोते हैं उसको नैप्स बोलते हैं। ओके, नाउ ज़्यादातर अगर फिर भी इंसान का मन है, वो थक गया है, तो उसे 20 मिनट तक एक नैप या फिर रेस्ट लेने के लिए एडवाइस किया जाता है। ठीक है, देन ज़्यादातर हम लोग क्या बोलते हैं, एक वार्म वाटर या फिर कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ की जा सकती है, जैसे कि म्यूज़िक थेरेपी या फिर म्यूज़िक लिसनिंग टू म्यूज़िक या फिर कुछ बुक रीड करना, है ना, या फिर डूइंग सम एक्टिविटी विच इज़ सूदिंग, या है ना। सो दिस एक्टिविटी कैन प्रमोट स्लीप और इंड्यूस स्लीप इन दी इंडिविजुअल। प्लस सोने के टाइम पे हम लोग अवॉइड करते हैं कि इंसान जिसको ये प्रॉब्लम्स हैं उनमें हम लोग अवॉइड करेंगे कि वो कुछ ऑफिस का काम ना करें या फिर कोई घर के फैमिली प्रॉब्लम्स को डिस्कस ना करें। ठीक है, सो ऐसा सब एक एनवायरनमेंट प्लस डिम लाइट और रिलैक्स्ड म्यूज़िक अगर उस समय रूम में होगा तो इंडिविजुअल अच्छे से सो पाएगा। प्लस हम लोग ये भी इंश्योर करते हैं कि इंसान दिन में एडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी करे ताकि वो शाम तक थक जाए, है ना, थक जाए इन द सेंस उसने एक ऐसा एक्टिविटी किया है कि उसकी बॉडी इज एग्जर्टेड एंड द बॉडी ऑल्सो डिमांड्स फॉर रेस्ट। तो जिस इंसान में स्लीपलेसनेस है या फिर जिसको नींद नहीं आ रही है उसमें हम लोग स्लीप इंड्यूस कर सकते हैं। ना हाउ वी कैन रेगुलेट द एनवायरनमेंट, हम लोग पेशेंट को या फिर इंडिविजुअल को स्लीप कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। मेनली एक डार्क एनवायरनमेंट या फिर डिम लाइट, शांति हो जहाँ पे, कंफर्टेबल हो, ठंडा हो, टेम्परेचर नॉट टू कोल्ड नॉट टू वार्म, है ना, एक बैलेंस टेम्परेचर हो। प्लस इंपॉर्टेंट हो जाता है कंफर्टेबल मैट्रेस एंड पिलो भी। अगर मैट्रेस या पिलो इज़ नॉट कंफर्टेबल तो भी इंसान को बहुत बार नींद नहीं आएगी। ठीक है, प्लस एक रिलैक्स्ड म्यूजिक उस रूम में, डिम लाइट, सो दीज आर द एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं टू इंड्यूस स्लीप।
हाउ वी कैन मॉडिफाई दी डाइट, मेनली डाइट में हमें क्या है जो हमें पता है कि जिन चीज़ों से नींद नहीं आती है वो अवॉइड करनी है, मेनली क्या है अल्कोहल, कैफीन, कैफीन किस में है कॉफ़ी में, निकोटिन, निकोटिन किस में है सिगरेट में, स्मोकिंग में, तो वो लेट इवनिंग और आफ्टरनून्स में वो अवॉइड करना है। प्लस नींद ज़्यादा किससे आती है, हमने पढ़ा था मिल्क जिसमें कौन सा फैक्टर है, दैट इज़ ट्रिप्टोफैन, वो हमें बेड टाइम पे देना, मतलब हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। प्लस इवनिंग या नाइट में ज़्यादा हैवी या स्पाइसी डाइट अवॉइड की जाती है, जिसकी वजह से बहुत बार एसिडिटी या हार्ट बर्न की तकलीफ़ें हो सकती है, जिससे इंसान की स्लीप भी डिस्टर्ब हो सकती है, तो इसके लिए वो भी अवॉइड किया जाता है। प्लस 2 से 3 घंटा सोने से पहले जो फ्लूड इंटेक है वो भी कम कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत बार अगर फ्लूड इंटेक ज़्यादा है तो सोने के बीच में इंसान को यूरिन पास करने के लिए उठना पड़ सकता है, तो फिर इसकी शायद अगर पेशेंट को स्लीप की प्रॉब्लम है तो ये सब मेजर किए जा सकते हैं टू प्रोवाइड क्वालिटी स्लीप। मेडिसिन एक्चुअली लास्ट ऑप्शन यूज़ किया जाता है विच विल बी प्रिस्क्राइब ड्रग। हम लोग क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, मेनली एंटी हिस्टामिन, यू नो सिट्रिजीन, हम लोग जुकाम होता है तब हमें दिया जाता है, जिसकी वजह से हम बहुत ड्राउजी हो जाते हैं, तो वो डे टाइम में हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, अगर हम लोग ताकि डे टाइम में अगर हम लोग ड्राउजी हैं तो शायद हमें रात में नींद ना आए, तो एंटी हिस्टामिन डे टाइम में अवॉइड करना विल बी अ गुड ऑप्शन। प्लस अगर किसी इंसान को पेन है, कहीं पे दर्द है, तो सोने से पहले एनाल्जेसिक लेने से भी जो अगर हमारा पेन कम हो जाएगा तो पेन जो पेन की वजह से स्लीप नहीं आनी थी वो आ जाएगी, सो स्लीप जो पेन का फैक्टर है वो एनाल्जेसिक की वजह से रिमूव हो जाएगा। प्लस अगर आप लगता है कि पेशेंट को फिर भी इन सब फैक्टर से नींद नहीं आ रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रिस्क्राइब ड्रग्स दिए जा सकते हैं, ओके, बट दैट टू ओनली आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम दी ड्रग। सो नाउ वी आर डन विद दिस टॉपिक, दैट इज़ रेस्ट एंड स्लीप कम्प्लीटली। थैंक यू।